बढ़ते आगे, झारखंड की रघुवर सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने में लगी हुई है। इसके तहत किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार ने किसान कल्याण योजना के तहत पाकुड़ के 25 गांवों का चयन किया है, जहां किसानों को सोयाबीन, मूंग और हाइब्रिड धान का पौधा भी दिया जा रहा है। रघुवर सरकार की पहल से आज किसानों की हर तकलीफ दूर हो रही है। पहले किसानों को उच्च किस्म के पौधे नहीं मिल पाते थे, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल अलग है। आज किसानों को सरकार अच्छी क्वालिटी के बीज और पौधे उपलब्ध करा रही है। सरकार की तरफ से पाकुड़ के 25 गांव का चयन किया गया, जिसके बाद किसान कल्याण योजना के तहत इन 25 गांव के 8,500 किसानों के बीच सोयाबीन, मूंग, हाइब्रिड धान जैसे पौधे का वितरण किया गया। किसानों को फलदार बीज का कुछ बीज वितरण किया जाना है, जैसे कि बीज में हो गया आपका मूंग का बीज, सोयाबीन का बीज, धान का बीज, फलदार बीज में आम का पौधा, मालदा और ये अमरापली, इसके बाद नींबू का, अमरूद का। भारत सरकार एवं राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार पाकुड़ जिला में 25 गांव को चयनित किया गया है। जिस चयनित गांव में हम लोग मशरूम उत्पादन का और बर्मी कंपोस्ट उत्पादन का 50-50 किसानों का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके अलावा 100 किसानों को उद्यान का प्रशिक्षण दे रहे हैं एवं सभी 100 किसानों को 5-5 फलदार पौधा, जिसमें आम, अमरूद और नींबू का पौधा है, उसका वितरण किया जा रहा है। किसान कल्याण योजना के तहत इन 25 गांव के 2500 किसानों को फलदार पौधे, 498 किसानों को शंकर धान के बीज, 2625 किसानों को मूंग के बीज वितरित किए गए हैं। सरकार की तरफ से कुल 12,500 फलदार पौधे का वितरण किया गया है। भारत सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है, जो किसान कल्याण योजना के रूप में है, और भारत सरकार द्वारा ही चयनित ये 25 गांव है पाकुड़ जिला के, जहाँ के किसानों के बीच में हम लोग सोयाबीन, मूंग, धान का बीज वितरण कर रहे हैं। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है और किसानों को जागरूक किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।